अब हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से सीक्वेंस सीरीज चैप्टर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। इसमें क्या दिया हुआ है, सीरीज हमारा है, सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो है 1³/1, सेकेंड टर्म है 1³+2³/1+3, और थर्ड टर्म में हमारा 1³+2³+3³/1+3+5, और इस तरह से है ना। तो हम लोग एक जो सीरीज जो दिया हुआ है, सीरीज से हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले। तो इस सीरीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका nth टर्म क्या होना चाहिए, हैं, फर्स्ट टर्म में 1³ है, सेकेंड टर्म में 1³+2³ है, तो nth टर्म में हमारा जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए 1³+2³+3³ up to n³ होना चाहिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में होना चाहिए 1+3+5 up to n होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो गिवन सीरीज है उससे हम लोग फाइंड आउट कर लिए nth टर्म को, हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि ये हमारा nth टर्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ये क्या है हमारा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स है, और सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n into n+1/2² ठीक है। उसके बाद हमारा नीचे में समेशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, n into n+1/2। तो लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, नीचे का डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो एपी में तो है लेकिन वो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो फॉर्मूला है, तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a+n-1 × कॉमन डिफरेंस क्या हुआ है हम यहाँ पर, हमारा 2 हो जाएगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये हमारा हो गया n into n+1² / 4, है ना, और ये जो 2 है ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और n को यहाँ रहने देते हैं, या फिर ये 2 को हम लोग अंदर ले चलते हैं, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखो, n into n+1/2 / 4 इंटू एन, और ये 2 अंदर में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1+n-1, ठीक है, तो 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा nth टर्म जो है सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया हमारा nth टर्म, n into n+1² / 4 × n², ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये n² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/4 n+1² क्लियर हो गया। अब हम लोग nth टर्म जो निकालेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 1/4 और ये हो जाएगा n² + 2n+1, ठीक है। nth टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर लिए गिवन कंडीशन से, ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ जो टर्म है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ tn, ठीक है। तो 1/4 को हम लोग, हाँ, अब यहाँ से समेशन ऑफ n² लिख लिए और 2 summation of n+summation of 1, ठीक है। तो हम लोग समेशन ऑफ n² जो होता है वो हम लोग का होता है n into n+1 into 2n+1/6, ठीक है। ये क्या है, समेशन ऑफ n² मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, और 2 तो पहले से ही है, और ये हमारा समेशन होता है n into n+1/2 और समेशन ऑफ 1 हो गया हमारा n, ठीक है। 1 को अगर n टाइम्स हम लोग सम करेंगे तो n ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करना रह गया, ठीक है। तो ये हमारा सपोज s जो है समेशन है, तो s को हम लोग रहने दिए,
वन बाय फोर, टू और टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, और ये हमारा एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये सिक्स ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिक्स एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पर फिर से n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स एन, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है सिंपली, ठीक है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है हमारा, वन बाई फोर को यही रहने देते हैं हम लोग, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन, और एन इंटू एन प्लस वन कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टू एन प्लस वन, ठीक है, टू एन प्लस वन हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सिक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स एन डिवाइडेड बाय सिक्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन बाय फोर एन इंटू एन प्लस वन, और ये कितने हो जाएंगे हमारे, टू एन प्लस सेवन, ठीक है, प्लस सिक्स एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिक्स। अब इसको हम लोग को बस सिंप्लीफाई करना है, अगर सही से सिंप्लीफाई कर लिए तो आंसर हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे हमारा हो गया वन बाय ट्वेंटी फोर, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों को, या अब ये क्या करते हैं हम लोग n को बाहर ले आते हैं, ठीक है, अगर n को बाहर ले आए तो n बाय ट्वेंटी फोर हो जाएगा ये, और यहाँ पर हमारा टर्म हो जाएगा n प्लस वन, टू एन प्लस सेवन इंटू एन प्लस वन प्लस सिक्स, ठीक है, उसके बाद हम लोग को n बाय ट्वेंटी फोर हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस सेवन एन प्लस सेवन प्लस सिक्स, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये एन बाय ट्वेंटी फोर टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस थर्टीन, समझ में आ गया। तो यही हमारा जो गिवन सीरीज है उसका ये सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे वाले वीडियो का बेनिफिट मिल सके।